कोई भी जो है वो शामिल नहीं है। अच्छा भी इसमें जो ओवरऑल हमें जैसे इसमें जो 17.1.1 के अलावा सारे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज के। फर्स्ट 17.2 वाला क्वेश्चन देखें जी, स्ट्रेस स्ट्रेन को डिफाइन करना है, उनके ऐसे यूनिट्स बताने हैं और डिफ्रेंशिएट करना है हमें टेंसाइल कंप्रेसिव शियर मोड्स ऑफ स्ट्रेस को। ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं हमारे लेक्चर में, हमने ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। सो पेपर में अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना आ जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन को, और स्ट्रेस पूछ सकता है, उसकी टाइप्स पूछ सकता है, स्ट्रेन पूछ सकता है, उसकी टाइप्स पूछ सकता है। तो ओवरऑल जो है ये ऑलरेडी हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। वैसे स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, उसका यूनिट लिखना है। स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको पता है, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, और उसका कोई यूनिट नहीं होता। और टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जो है इनकी डेफिनेशन लिख देनी है। मोड्स ऑफ स्ट्रेन जो है वो उसमें आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और शियर स्ट्रेन है। मोड्स का मतलब होता है टाइप्स, तो इसकी भी जैसे स्ट्रेस की 3 टाइप्स होती हैं, इसी तरह से स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स होती हैं, टेंसाइल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन जो है। तो दैट्स वेरी इजी। 17.3 इज ऑल्सो ईजी, चूंकि ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करना है और इसकी 3ों टाइप्स बतानी है। यंग्स मॉडुलस जो है वो लेंथ से रिलेट करता है, आपको पता है। तो स्ट्रेस ओवर जो है वो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ जो है होता है। बल्क मॉडुलस जो है वो वॉल्यूम को रिलेट करता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, तो ये जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। शियर मॉडुलस शेप से रिलेटेड होता है, तो ये जी स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन के इक्वल होता है। और यूनिट जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस का सेम होता है, उसकी रीजन ये है कि स्ट्रेन यूनिटलेस है, नीचे जो डिनोमिनेटर में है स्ट्रेन यूनिटलेस है, और स्ट्रेस का ज़ाहरा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होगा, ठीक है जी। 17.4 इसमें कहता है ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल एंड डिफाइन टर्म्स इलास्टिक लिमिट यील्ड पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेस। सो एक तो कर्व जो है वो हमें पता है, बुक से हमें ड्रॉ भी करना है, प्रॉपर इसकी लेबलिंग करनी है। पहला होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद आती है इलास्टिक लिमिट, फिर यील्ड पॉइंट, उसके बाद यूटीएस, ठीक है, और ये इसको फ्रैक्चर स्ट्रेस। ये वाला कर्व ठीक से नहीं बना हुआ, बुक से जो है वो देख के बना लीजिएगा, या जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कर्व बताया था, बनवाया था ना, वो लेक्चर में वो आप बनाइएगा, ठीक है। उस पर प्रॉपर सारे पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा इसी तरह से। बाकी इनको डिफाइन करना है, तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस डेटा मटीरियल कैन बियर विदाउट लूजिंग एनी परमानेंट चेंज जो है, तो इसको हम शेप, इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी कि इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि इससे पहले पहले अगर हम फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर ले, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेती है। यील्ड पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है आफ्टर विच बॉडी कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो ऑलरेडी आपको पता है इसका क्या मतलब होता है, द मैक्सिमम स्ट्रेस डेट अ मटीरियल कैन एंड्योर। और आगे फिर से वही जी 17.5, व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी, हाउ इट कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन कर्व जो है। इसमें जो है वो कर्व आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल वाला भी, जैसे कि आप सिंपल जो है वो एक ऐसे कर्व भी शो कर सकते हैं यहाँ पर, चूंकि इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने मेंशन ही करना है, तो सिंपल आप ना कोई भी ऐसे कर्व लेकर और बता सकते हैं कि इसका एरिया अंडर द कर्व अगर हम फाइंड कर लें, तो डेट विल गिव जो है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व अगर हम फोर्स यानी लोड एक्सटेंशन कर्व ले लें, तो हमारे पास किसके इक्वल होता है वर्क डन के। तो ये सिंपल वाला कर्व भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और स्ट्रेन एनर्जी आपको पता क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द डीफॉर्म मटेरियल को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है लिखनी है और बताना है कि हम स्ट्रेन एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये हम एरिया अंडर द ग्राफ या कर्व फाइंड करने से फाइंड कर सकते हैं। उसका बेसिक फार्मूला होता है 1/2 लोड इन टू एक्सटेंशन, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास जो है 17.6, ये पेपर में यूजली एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, शॉर्ट में बहुत कम आता है, लेकिन शॉर्ट में आएगा तो ज़ाहरा उसमें ये 3 आते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। लेकिन यहाँ पर ना डायग्राम्स नहीं बनी हुई, आपने डायग्राम्स भी साथ बनानी है, जो कि आपको पता है कि इंसुलेटर के लिए हम बनाते होते थे इस तरह से डायग्राम जो है, ऊपर जो है वो कंडक्शन बैंड जो है वो, और नीचे जो है वो हम कहते थे कि ये वाला जो है वो वेलेंस बैंड। इंसुलेटर के केस में जो है वो कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वेलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल होता है, और एनर्जी गैप जो है वो लार्ज होता है, इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो लार्ज होता है, ठीक है। तो ये वाली जो डायग्राम्स हमने ड्रॉ की थी वो सारी यहाँ आपने बनानी है।
और इसी तरह कंडक्टर्स में, इसी तरह से सेमी कंडक्टर्स जो है, तो ये पेपर में ना अक्सर आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर विद रेफरेंस टू एनर्जी बैंड थ्योरी। जब विद रेफरेंस टू एनर्जी बैंड थ्योरी कहे तो फिर आपने वो डायग्राम स्टार्ट ड्रॉ करनी है, और ये तीन तीन पॉइंट्स जो हैं जैसे यहाँ पर मैंशन है वो सारे लिखने होते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप पी टाइप क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इसको अच्छे से डिस्कस भी किया था। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमी, इंट्रिंसिक का मतलब होता है अनडोप्ड यानी कि प्योर, और एक्सट्रिंसिक का मतलब है आफ्टर डोपिंग जो है। और आपको पता है कि डोपिंग जो है वो दो तरह की होती थी, एन टाइप में पेंटावेलेंट सब्सटेंस से हम डोपिंग करते थे यानी इम्प्योरिटी ऐड करते थे, और पी टाइप में हम ट्राईवेलेंट सब्सटेंस से डोपिंग करते हैं। सो डेट इज़ ऑल्सो ईजी जो है, और इसकी एग्जाम्पल्स भी आपने याद करनी है। एन टाइप और पी टाइप जो है इसमें हम जो इम्प्योरिटी डालते हैं आर्सेनिक की, फॉस्फोरस की और एंटीमनी की, जबकि पी टाइप बनाने के लिए हम इंडियम ले लेते हैं, बोरोन ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है 17.8 जो है, इसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। यहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो है वो इसमें वो डायग्राम ड्रॉ करनी है जो हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस की थी, जिसमें हमने शेयर किया था कि जी ओवरऑल जो है वो दो तरह के, इसका मतलब है कि हमने कहा था कि चार्ज कैरियर होते हैं इन सेमीकंडक्टर जो हैं, अगर हम उनके साथ कोई भी जो है वो बैटरी अटैच करते हैं, तो दो तरह के चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में होते हैं, कौन कौन से, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। आपको याद होगा कि ये डायग्राम हमने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब है कि प्योर सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल। फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो ये जो है वो बेसिकली आपने यहाँ पर जो है वो मेंशन करना है, और ये वाली जो डायग्राम है वो बुक में भी बनी हुई है, ये आपने बनानी है ताकि ये आप शो कर सकें कि दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल्स होते हैं इन सेमीकंडक्टर्स जो है। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास 17.9, बहुत सिंपल है, सुपर कंडक्टर जो इसके यूजेस लिखने हैं। सुपर कंडक्टर जो है वो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन साथ इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर भी लिखेंगे और इसके यूजेस। अच्छा, एक ख़ास बात ये है कि पेपर में ना ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक पास्ट पेपर में पूछा गया है वही होता था, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स, या राइट ऑन द यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स या राइट ऑन द यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर्स, आपने सुपर कंडक्टर की पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद यूजेस लिखने हैं। सो उसकी डेफिनेशन पूछी है या नहीं पूछी, आपने उसको इंक्लूड कर देना, यानी उसने लिखा राइट ऑन द यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर्स, तो ये अच्छी बात है कि आप उससे पहले सुपर कंडक्टर को डिफाइन कर देना। मटीरियल हुज रेजिस्टेंस बिकम जीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, उसको कहते हैं जी सुपर कंडक्टर, और दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर जो है। और दो कम अज कम एग्जाम्पल देनी है, जैसे एल्यूमिनियम की यहाँ गिवन है और टिन की गिवन है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर एल्यूमिनियम का 1.18 केल्विन होता है और टिन का 3.72, और इसके साथ इसके यूजेस लिख देने हैं। अच्छा, 17.10 पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, इनमें से कोई भी दो जो है वो अक्सर जो है वो पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपने एक्स्ट्रा यहाँ चीज़ लर्न करनी है वो डोमेन, What does it mean by domains जो है, ये भी पेपर का जो है वो पेपर पॉइंट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको भी यहाँ आपने इंक्लूड कर लेना। बाकी ये तो आपने डेफिनेशन को लर्न किया था, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक और फेरामैग्नेटिक जो है। 17.11 जो है वो हिस्टेरेसिस लॉस, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एक कर्व लिखेंगे और ड्रॉ करेंगे, और कर्व के नीचे जो है बता देंगे कि एरिया अंडर द एरिया बॉन्डेड बाय दिस कर्व जो है ये किसके इक्वल होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज द मटीरियल जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइंड करने से हम जो है वो, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल थी कि आयरन के केस में ये एरिया कम होता है, स्टील के केस में ये एरिया ज़्यादा होता है, इसका मतलब है स्टील जो है उसकी कोर्सिविटी और उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, जबकि आयरन की कम होती है, जो कि उसका एरिया यानी हिस्टेरेसिस एरिया कम होता है। ठीक है जी, सो ये इट्स ऑल अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो, यानी कि जो आपने चैप्टर में पढ़ा है वही सारे दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल एक ही हमने करनी है, और इसमें न्यूमेरिकल जो है दे आर सो सिंपल, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं और 17.1 अगर आप कर लेंगे, बाकी आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजीली हो जाएंगे।
सबसे पहले हम डेटा लिखते होते हैं, तो जाहिर है हमें सबसे पहले कह रहा है स्टील वायर ऑफ 12 मिलीमीटर डायमीटर। तो डायमीटर आपको स्टील वायर का गिवन है 12 इंटू 10 इज टू आवर माइनस 3, इसको हाफ करें तो रेडियस आ जाएगा। रेडियस जो है वो आपके पास कितना होगा जी, डी बाय 2 यानी 6 इंटू 10 इज टू आवर माइनस 3 मीटर। आपको लेंथ ऑफ द वायर गिवन है, फोर्स गिवन है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है। क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्ट्रेस, स्ट्रेन और एक्सटेंशन। तो देखो जब भी हमें कोई चीज़ फाइंड करने के लिए कहा जाए किसी न्यूमेरिकल में, तो फौरन फार्मूला और अपना जो गिवन डेटा है उसको हमेशा कंपेयर करते होते हैं। तो अगर मुझे देखें स्ट्रेस फाइंड करनी है, तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैंने डेटा में देखना है क्या मुझे फोर्स गिवन है, तो ये देखें गिवन है, तो आंसर यस है जी। नेक्स्ट एरिया गिवन है, एरिया यहाँ डायरेक्टली नहीं गिवन, इनडायरेक्टली गिवन है, चूंकि यहाँ पर हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर होगी और जो सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, तो सिलेंड्रिकल वायर जो है वो चूंकि उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड पे वो सर्कुलर होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आप एरिया लेंगे वो कौन सा लेंगे, वो पाई आर स्क्वेयर से लेंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पाई आर स्क्वेयर से हम फाइंड करते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स हमें डायरेक्टली गिवन है, जबकि एरिया की जगह आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर, तो पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14, और आर जो है वो यहाँ पुट कर देंगे जो भी गिवन है, उसके बाद यू विल गेट द आंसर, और आंसर जो है वो आ रहा है 88.46 इनटू 10 टू 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। स्ट्रेस जो है वो उसकी जो लार्ज वैल्यूज होती हैं उसको आमतौर पर हम मेगा से शो करते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए उसने मेगा पास्कल में उसको कन्वर्ट कर लिया है, तो 88.46 मेगा पास्कल इज द आंसर। अब बीटा वाला देखें तो हमें स्ट्रेन फाइंड करनी है, तो देखो कितना इजी है, हमारे पास जो इलास्टिक मॉडुलस है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो यहाँ से मुझे स्ट्रेन फाइंड करनी है तो वो स्ट्रेस ओवर इलास्टिक मॉडुलस हो जाएगा। तो देखें गौर करें कि हमें ना सामने स्ट्रेस तो पहले वाले ए पार्ट में फाइंड किया है 88.46 मेगा पास्कल, और इलास्टिक मॉडुलस हमें डेटा में गिवन है, इलास्टिक मॉडुलस हमें गिवन है गिवन डेटा में, और स्ट्रेस जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट से सॉल्व कर ली थी, इसलिए दोनों की वैल्यू स्ट्रेस की पुट कर देंगे फर्स्ट पार्ट से, इलास्टिक मॉडुलस गिवन है वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। आप देख सकते हैं कि इलास्ट ये जो स्ट्रेन है इसका कोई यूनिट नहीं होता, इस वजह से इसके साथ यूनिट भी कोई नहीं लिखा। एंड द लास्ट वन जो है वो कितना सिंपल है जी, स्ट्रेन हमें फाइंड जो स्ट्रेन किसके इक्वल होती है, डेल्टा एल ओवर एल, इलोंगेशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से हमें इलोंगेशन फाइंड करनी थी यानी चेंज इन लेंथ फाइंड करना था, तो चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू स्ट्रेन इनटू लेंथ, तो स्ट्रेन यहाँ पर जो है वो हमारे पास सेकंड पार्ट से आ गया था, और लेंथ हमें ओरिजिनल डेटा में गिवन है, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो देखो हमें सिंपल करना क्या होता है, हमें करना ये होता है कि हमें जो है वो जो फॉर्मूला है वो जो हमें फाइंड करने के लिए का फॉर्मूला को कंपेयर करना होता है गिवन डेटा के साथ। जैसे आपने स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया फाइंड करना है तो फोर्स डायरेक्टली गिवन है, एरिया पाई आर स्क्वायर से फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट में जो है वो हमें स्ट्रेन फाइंड करनी थी, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर इलास्टिक मॉडुलस। ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया चूंकि डेटा में हमें इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू गिवन थी और स्ट्रेस हमने फर्स्ट पार्ट से सॉल्व कर लिया है। और लास्ट वन जो है हमें इलोंगेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो इलोंगेशन फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है जी, वो स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल होती है, इस वजह से यहाँ से हमने डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू लेंथ कर लिया, स्ट्रेन हमें बी पार्ट से आ गया, लेंथ जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे यू गेट द आंसर। 17.1 न्यूमेरिकल जी, न्यूमेरिकल 17.1 ये एग्जांपल थी, एग्जांपल 17.1 जो अभी हमने सॉल्व की है, और ये है न्यूमेरिकल नंबर 17.1। ये देखे कितना सिंपल क्वेश्चन है, कहता है जी कि हमें डायमीटर गिवन है, लोड गिवन है, हमें स्ट्रेस फाइंड करनी है मेगा पास्कल में। अच्छा इसमें एक ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, वो ये कि आपको जो है वो यहाँ जो मैस गिवन है वो 2500 किलोग्राम ना लोड मैस है, ये लोड मैस है, ये लोड नहीं है, तो जो गिवन है वो लोड मैस है लोड नहीं है, तो लोड में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको क्या करेंगे, एम जी करेंगे, यानी कि अगर मुझे लोड में इसको कन्वर्ट करना हो तो लोड मैस गिवन हो तो फोर्स जो है वो किसके इक्वल हो गई, एफ इज इक्वल टू किसकी हो जाएगी, एम जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, मैस इंटू जी, जी आपको पता कितना होता है 9.8। तो यहाँ आपको डायमीटर गिवन है और इसके बाद जो है वो आपको सेंटीमीटर में है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, यहाँ से रेडियस आपके पास आ जाएगा। लोड मैस गिवन है तो स्ट्रेस फाइंड करनी है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा आप जरा गौर करें, फोर्स जो है उसकी जगह एम जी हमने लिखा है, क्यों, क्योंकि ये जो एम एम था ये हमें लोड मैस की था,
ये लोड नहीं था, तो इसलिए हमें उसको पहले लोड में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें तो यहाँ फोर्स पुट करनी है ना, तो फोर्स जो है वो उसका यूनिट न्यूटन होता है, तो यहाँ पर इसलिए हमने एफ इज इक्वल टू एम जी पुट किया। एरिया जो है वो यहाँ पाई आर स्क्वेयर, और सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। बुक में इसका आंसर 200 मेगा पास्कल लिखा हुआ है, सो इट्स इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 200 मेगा पास्कल हो जाएगा। 17.2 जो है डेट इज़ वेरी सिंपल, अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक दो दफ़ा पूछा जा चुका है। लेंथ आपको गिवन है और इसमें इलोंगेशन गिवन है, इंक्रीजेस बाय मतलब इलोंगेशन गिवन है। आपको कह रहा है परसेंटेज स्ट्रेन भी बताएं और स्ट्रेन फाइंड करें। स्ट्रेन हमें पता क्या होती है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ आपको गिवन है 20 × 10⁻²। और आपने देखो यहाँ यूनिट है सेंटीमीटर, आपका जो ओरिजिनल यूनिट है वो यानी एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो मीटर है, तो इसमें यूनिट्स का हमेशा ख्याल रखते हैं जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है। बाकी इजी है जी, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ करेंगे तो यहाँ से स्ट्रेन आ जाएगी, और परसेंटेज इलोंगेशन के लिए आपने जस्ट आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो 20.2 आपकी स्ट्रेन थी तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 20% आपके पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज इलोंगेशन के लिए। द लास्ट न्यूमेरिकल जो डेट इज़ वेरी आल्सो वेरी सिंपल, हमें लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, और हमें कहा है उसने फोर्स गिवन है, हमें कहा है जी कि आपने कैलकुलेट करना है स्ट्रेन को, यंग मॉडुलस को, एनर्जी स्टोर्ड को। अच्छा अब देखो कि जैसे हमने पहले पार्ट्स में किया था, अब देखें फर्स्ट पार्ट जो है बहुत सिंपल है, इलास्टिक हमें स्ट्रेन फाइंड करनी है, तो स्ट्रेन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है स्ट्रेन इज इक्वल टू इलोंगेशन यानी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ हमें गिवन है और ओरिजिनल लेंथ भी गिवन है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा चूंकि ये यूनिट लेस होती है। अच्छा अब अगला पार्ट देखो कितना सिंपल है, यंग मॉडुलस हमें फाइंड करना है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन होती है डेल्टा एल ओवर एल, तो स्ट्रेन तो हम पहले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं 6 × 10⁻⁴, तो डायरेक्ट भी यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो स्ट्रेन की। फोर्स और एरिया दोनों गिवन है, ये देखें हमें फोर्स भी गिवन है और एरिया भी गिवन है गिवन डेटा में, तो जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, फोर्स गिवन है, एरिया भी गिवन है, इलोंगेशन भी गिवन है, ओरिजिनल लेंथ भी गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। एंड द लास्ट जो है इसमें पार्ट देखें तो एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करनी है, एनर्जी स्टोर्ड का हमें बेसिक फॉर्मूला पता है 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन, 1/2 लोड इनटू इलोंगेशन यानी एक्सटेंशन। लोड हमें फोर्स गिवन है, एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ भी हमें डेटा में गिवन है, जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर इन जूल। सिर्फ और सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है इन न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हुए यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए, जहां हमें मिलीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, जहां सेंटीमीटर है उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, और बाकी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो आप देखें आपके सामने बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन आंसर की तरफ, तो एक्सरसाइज में आई होप सो कि किसी किस्म का कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जो कॉन्सेप्चुअल हो और आपके लिए मुश्किल हो, आपने प्रिपेयर करने और साथ ये फोर न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने, एक तो 17.1 एग्जांपल है और पहले तीन न्यूमेरिकल है हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जी हाँ जी, हमारे जो है ये 17.1 एग्जांपल थी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 17.1, 2, 3 और ये तीनों हमने कर लिए। अब आपके कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर लेते हैं कल के लेक्चर से, और आज के लेक्चर से जो क्वेश्चंस है वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ।